आज के स्टूडियो में हम जानने वाले हैं, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क फॉर ट्रेंडिंग के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। आज इस क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे वेबसाइट नेम से जानकारी कैसे निकालते हैं, ईमेल्स के थ्रू कैसे जानकारी निकालते हैं। ये सारी चीजों में हमने ऑलमोस्ट फूड प्रिंटिंग कर चुके हैं, बट अब हम थोड़ा आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। अगर हमें वेबसाइट का नाम पता चल जाता है, वेबसाइट्स के ऑनर का नाम पता चल जाता है, देन कुछ ऐसे डिटेल्स हम जान जाते हैं जिससे वेबसाइट से ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि वेबसाइट रनिंग फेज में है या नहीं, उसके कौन कौन से सर्वर यूज हो रहा है, देन मेल सर्वर कौन कौन से हैं, देन इसके अंदर ऐसे कौन सारे डीप डिटेल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेबसाइट हम तक कैसे पहुंच रही है, कौन कौन रूट से होके हमारी पास वेबसाइट आती है। यानी कि हमें सबसे पहले वेबसाइट्स के बारे में पता चल गया, ऑर्डर के बारे में पता चल गया, ईमेल के बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे कि वो जो इंफॉर्मेशन फीड हो रही है, मतलब वेबसाइट तक पहुंचने के जो तरीके हैं, उन्हें हम अप्लाई करके देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज के स्टूडियो में पूरी प्रैक्टिकल हम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करने वाले हैं। तो हम अभी अपने कंप्यूटर में CMD को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है विंडो R, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको CMD टाइप करना है, आफ्टर दैट एंटर करना है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा CMD खुला है एडमिनिस्ट्रेटर से, आप एडमिनिस्ट्रेटर से अपना CMD को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कमांड फ्रॉम ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम अभी जानेंगे कि कोई सा भी एक वेबसाइट रनिंग फेस में है या नहीं। इसके लिए आपको एक कमांड डालना होगा, लाइक यहाँ पर मैं आपको कमांड बता देता हूँ, पिंग। पिंग के बाद आपको डालना है जो भी आप वेबसाइट्स को चेक करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ www.facebook.com। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं facebook.com लिख दिया हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं सिंपली एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वेबसाइट से मुझे रिप्लाई आ रहा है। बेसिकली ये जो वेबसाइट है अभी रनिंग फेस में है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी वेबसाइट रनिंग फेस में है या फिर रनिंग फेस में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी पैकेट्स है उसका रिप्लाई मुझे आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर लिखा है मिनिमम 68 मिनट्स एंड मैक्सिमम 87 मिनट्स, एवरेज 74 मिनट्स। इसका बोलने का मतलब है इसका रनिंग जो फेस है इतने मिनट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जाना है कि वेबसाइट रनिंग फेस में है कि नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पिंग कमांड के थ्रू क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको एक कमांड डालना है पिंग। पिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक स्लैश डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप देख सकते हो ये कमांड सिंपली फिल कर दिया हूँ, आपको डाट यहाँ एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कमांड की हेल्प से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, लाइक यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ जो हमारा फर्स्ट कमांड है ए, जैसे कि रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कमांड है पिंग ए www.facebook.com। यहाँ पर आप देख सकते हो इस होस्ट नेम से क्या चीज को आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कमांड को यूज करके देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा हम कमांड टाइप करते हैं, देख सकते हो मैं यहाँ पर सिंपली सेट कर चुका, सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे रिप्लाई आना स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट नेम क्या है इसका, देन यहाँ पर भी सेम चीज शो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो पैकेट्स है वो 4 सेंट हुआ है, यहाँ पर रिसीविंग है वो भी 4 है, यहाँ पर जो लॉस्ट है 0% लॉस हुआ है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो सारे चीज को यहाँ शो कर रहा है, कितने सेकेंड्स में कितने मिनट्स में इसका जो एवरेज है, सारा चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका होस्ट नेम क्या है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट्स का होस्ट नेम को। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका होस्ट नेम क्या है, ये रिजॉल्व करके बता रहा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को आप रीड कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इस वेबसाइट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर आप जानना चाहते हो कि उसका बफरिंग रिकॉर्ड क्या है, लाइक टाइम टू लिव अगर जानना चाहते हो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप कमांड डाल सकते हो। हैकर्स या एक अटैकर चेक करता है कि इसकी बफरिंग लिमिट कितनी है, कोई से वेबसाइट का बफरिंग लिमिट कैसा है, इसमें सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद
उसकी वजह से वो बफरिंग ओवरफ्लो जैसी चीजों को अटैक परफॉर्म करता है। हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि बफर ओवरफ्लो अटैक्स कैसे परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि कैसे बफरिंग ओवरफ्लो को हम रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बफरिंग लिमिट कितनी है। यहाँ पर मैं आपको आगे बता दूं, F फ्रैगमेंट पैकेट्स को सेंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों कमांड को एक साथ यूज करने वाले हैं, यहाँ पर F और L। इसके बाद हम जान पाएंगे कि बफरिंग लिमिट कितनी है। तो यहाँ पर हम एक कमांड को सिंपली रन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कमांड डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपना पूरा कमांड को रन कर चुका हूँ। तो बेसिकली मुझे अब इस कमांड की हेल्प से क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1200 डाल दिया हूँ। L मीन्स होता है बफर लिमिट। बेसिकली L के थ्रू हम बफर लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा रिप्लाई आता है कि नहीं, और सिंपली इंटरफेस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा का जो रिप्लाई आ रहा है, सेंडिंग रिसीविंग का सारा प्रोसेस यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम 60 मिनट्स, देन मैक्सिमम 91 मिनट्स, यहाँ पर एवरेज आपको दिखा रहा है 75 मिनट्स। इसके बाद हम जानेंगे एक नेक्स्ट कमांड के बारे में, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट आप तक कैसे पहुंच रही है। जी गाइस, मैं आपको बता दूं एक कमांड है जिस कमांड का नाम है ट्रेसर। ट्रेसर का पूरा नाम होता है ट्रेस रूट। ये कमांड की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट कौन से रूट से होके आप तक पहुंची है, और उस वेबसाइट को आप तक पहुंचने में कितने होप्स से होकर गुजरना पड़ा। देन होप्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक वेबसाइट का मेन सर्वर है वो यूएसए के अंदर है, यूएसए से इस वेबसाइट को आप तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है और कौन कौन से राउटिंग आ रहे हैं, ये सारे चीज को आप इंफॉर्मेशन को क्लिक कर सकते हो कि आपको यहाँ मिल जाएगा से बहुत सारे डिटेल्स जिसे आप रीड कर पाओगे। तो बेसिकली हम अभी कमांड का यूज कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ट्रेसर कमांड को फिल कर चुका हूँ। देन यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ ट्रेसर www.facebook.com। इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ट्रेसर कमांड की हेल्प से ये जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट कौन कौन से रूट से होकर आप तक पहुंच रही है। सिंपली यहाँ पर मैं इंटरफेस करता हूँ, देन यहाँ पर आप देख सकते हो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो सारे पैकेट्स हैं वो लोडिंग हो रही है। देन यहाँ पर आपको होप्स 30 दिखा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम होप्स 30। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो जो वेबसाइट कौन कौन से रूट से होके आ रही है, कौन कौन सा राउटिंग यूज हो रहा है, एंड कौन कौन सा होप्स यूज हो रहा है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि उस सर्वर से हमारी जो रिक्वेस्ट वो नहीं मिली। देन सेकंड में भी आप देख सकते हो रिक्वेस्ट टाइम आउट, सेम चीज यहाँ पे दिखा रहा है कि उस सर्वर से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं मिल रही है। देन ऐसे बहुत सारे केसेस में रिप्लाई आ रहा है। देन बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेसर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक वेबसाइट कौन कौन से रूट से, कौन कौन से राउटिंग से फॉलो करते हैं, एंड कौन कौन से होप्स से आप तक एक वेबसाइट पहुंचती है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, जिस कमांड का नाम है NSLOOKUP। NSLOOKUP कमांड का हम यूज करते हैं नेम सर्वर लुकअप के लिए। बेसिकली नेम सर्वर, इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे कि ये कमांड बता रही है सर्वर नेम के बारे में, इससे आप यूज कर सकती हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है हेल्प। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको सर्च करना है NSLOOKUP, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो NSLOOKUP में सिंपली एंटर किया, तो यहाँ पर ये आपको सर्वर नेम बता रहा है, देन यहाँ पर आपका ये एड्रेस शो कर रहा है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर एक कमांड डाल देते हैं हेल्प, जैसे मैं हेल्प कमांड डाल के एंटर करूंगा, तो इस कमांड की हेल्प से आप ये सारे चीज को रीड कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इस कमांड से रिलेटिव जितने भी कमांड्स है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम क्या है, जितने भी आल्स जो भी कमांड्स हो रहे हैं यहाँ पर, ये सारे कमांड्स को आप रन करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई सा भी वेबसाइट डाल देता हूँ, लाइक आप कोई सा भी वेबसाइट का यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमें दिखा रहा है नेम एड्रेस एरिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे कि ये है एड्रेस एंड ये है सर्वर नेम। तो अभी सर्वर नेम को हाइड कर रखा है क्योंकि ये
बड़ी वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटीज लगे हैं जिसके थ्रू हम नेम सर्वर को रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप नॉर्मल वेबसाइट को ट्राई कर सकते हो नेम सर्वर को जानने के लिए, बेसिकली ये सारी चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर NS lookup command की हेल्प से जानने के लिए कोई भी वेबसाइट मेल सर्वर कौन सा है, देन यहाँ पर आप देख सकते हो मेल सर्वर, यानी कि हेल्प से वो सारे चीज को आप पता लगा सकते हो कि मेल सर्वर क्या है, होस्टिंग क्या है, रजिस्टर्ड कौन किया है वेबसाइट को, ये सारी चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम अभी एक कमांड को रन करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेट टाइप इज इक्वल MM, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल इस कमांड को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड सेट टाइप्स इज इक्वल MX, यहाँ पर आपको सेम वेबसाइट्स को डालना है। लाइक यहाँ पर मैं एक वेबसाइट डाल देता हूँ www.facebook.com, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं facebook.com डाल दिया हूँ, उसके बाद सिंपली एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक का जो सर्वर नेम है जो कि अननोन दिखा रहा है, हाइड करके रखा है, तो यहाँ पर एड्रेस शो कर रहा है, देन यहाँ पर आप देख सकते हो उसका जो ऑनर नेम क्या है, देन यहाँ पर आपको वो डोमेन नेम भी शो कर रहा है, यहाँ पर ये जो एड्रेसेस दिखा रहा है इसका एक्चुअल एड्रेस है सर्वर का। बेसिकली इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो NS lookup command की हेल्प से कोई सा भी वेबसाइट्स का एकदम डीप एक इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से कोई सा भी एक नेटवर्क है उसके अंदर जो वेबसाइट्स है उस वेबसाइट्स का कैसे आप डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि वेबसाइट्स के अंदर डिटेल्स कैसे निकालते हैं, हमने देखा वेबसाइट्स रनिंग फेज में है या नहीं, देन उसके बाद हमने जाना कि बफर ओवरफ्लो के बारे में, देन आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा बफर ओवरफ्लोइंग अटैक्स कैसे होता है, देन यहाँ पर हमने जाना कि मेल सर्वर कौन सा है, देन एड्रेसेस वगैरह को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इससे और कुछ और बेहतर चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।